So digital video is a stream of data composed of discrete frames containing both audio and pictures. अब आपकी जो वीडियो होती है उसके अंदर पिक्चर्स और ऑडियो दोनों होते हैं, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे कि आपके सामने भी आपकी स्क्रीन पर मैं बोल रही हूँ तो वीडियो भी आ रहे हैं, मतलब कि फ्रेम्स भी आ रहे हैं और मेरी ऑडियो भी आ रही है, तो दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोल रहे हैं, वीडियो, वीडियो लेक्चर है ये. ठीक, तो ये कंपोज ऑफ डिस्क्रीट फ्रेम्स है. कंटिन्यूस मोशन प्रोड्यूस्ड एट अ फ्रेम रेट ऑफ 15 फ्रेम पर सेकेंड और हायर. अब किसी भी वीडियो को अगर आपको देखना है, कंटिन्यूस मोशन अगर आपको देखना है, तो मिनिमम 15 फ्रेम पर सेकेंड उसमें रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, अगर आपकी डिवाइस में 14 फ्रेम पर सेकेंड आए या 10 फ्रेम पर सेकेंड आए तो वो आपको अटकी अटकी सी वीडियो प्ले होती हुई दिखेगी, मतलब कि स्मूथ नहीं होगी वीडियो, आपको अटक अटक के ऐसा लगेगा अटक अटक के वीडियो चल रही है. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 15 फ्रेम पर सेकेंड, हर सेकेंड के अंदर 15 फ्रेम आने ही चाहिए. अब अच्छी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो मोर देन 15 फ्रेम पर सेकेंड की ही होती है, चाहे हम अपने कंप्यूटर की बात करें या टीवी की बात करें या मोबाइल की बात करें. ट्रेडिशनल मूवीज रन एट 24 फ्रेम पर सेकेंड. इवन आपकी जो मूवीज होती है ट्रेडिशनल, वो भी मिनिमम 24 फ्रेम पर सेकेंड पे रन होती हैं. टीवी स्टैंडर्ड इन यूएसए यूजेस 30 फ्रेम पर सेकेंड. विद डिजिटल वीडियो 4 फैक्टर्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड: फ्रेम रेट, कलर रेजोल्यूशन, स्पेशियल रेजोल्यूशन, इमेज क्वालिटी. डिजिटल वीडियो के केस में हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, माइंड में रखनी होगी? एक तो फ्रेम रेट, कलर रेजोल्यूशन क्या है जो हम वीडियो देखने वाले हैं उसका, स्पेशियल रेजोल्यूशन क्या है उसका, एंड इमेज क्वालिटी क्या है उसका. तो इनको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज फ्रेम रेट. द स्टैंडर्ड फॉर डिस्प्लेइंग एनी टाइप ऑफ वीडियो इज 30 फ्रेम पर सेकेंड. फिल्म इज 24 फ्रेम पर सेकेंड. ठीक है, एक स्टैंडर्ड है डिस्प्लेइंग एनी वीडियो इज 30 फ्रेम पर सेकेंड. जो आपकी फिल्म्स होती है वो 24 फ्रेम पर सेकेंड का स्टैंडर्ड यूज करती है. एडिशनली दीज फ्रेम आर स्प्लिट इन हाफ ऑड लाइंस एंड इवन लाइंस टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड फील्ड्स. अब वो जो एक पर्टिकुलर फ्रेम होता है उसके भी टू पार्ट होते हैं, ऑड लाइंस एंड इवन लाइंस का, जो कि हम आगे अभी देखेंगे कंप्रेशन के अंदर, कॉल्ड फील्ड, जिसको हम फील्ड्स कहते हैं. व्हेन अ टेलीविजन सेट डिस्प्ले इट्स एनालॉग वीडियो सिग्नल्स, इट डिस्प्ले द ऑड लाइंस, द ऑड फील्ड फर्स्ट, देन द डिस्प्ले द इवन लाइन फर्स्ट. टीवी की बात करें, जब वो एनालॉग वीडियो को शो करता है तो वो पहले ऑड लाइन को फर्स्ट शो करेगा, देन इवन लाइंस को, यानी कि ऑड पहले आएंगे लाइंस, देन इवन, देन कंप्लीट फ्रेम बनेगा आपका. ईच पेयर ऑफ फ्रेम एंड देर आर 60 ऑफ दीज फील्ड डिस्प्ले एवरी सेकेंड और 30 फ्रेम पर सेकेंड. This is referred to as interlaced video. ठीक, उसका कितने फ्रेम पर सेकेंड अपने आ रहे हैं डिवाइस पर, दैट इज फ्रेम रेट. जैसे बिट रेट था ना, इतने बिट पर सेकेंड, ऐसे फ्रेम रेट होता है पर सेकेंड कितने फ्रेम आ रहे हैं, तो उसकी यूनिट क्या है, FPS, फ्रेम पर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट इज कलर रेजोल्यूशन. The second factor is bit more complex. Color resolution refer to the numbers of color display on the screen at one time. कितने colors को एक बार में display कर सकते हैं, वो जो हमने color space पढ़ा था वही चीज़ है ये, कि आपका जो display device है उसका color resolution क्या है, कितने maximum numbers of color वो show कर सकती है आपकी device. Computer deal with color in an RGB red, green, blue format. While video uses a variety of formats, हमारा जो कंप्यूटर है बेसिक वो क्या फॉलो करता है, RGB कलर फॉर्मेट फॉलो करता है. लेकिन जैसे कि हमने JPEG पढ़ा था तो YUV वाला फॉर्मेट अप्लाई करता है वो, तो डिफरेंट डिफरेंट वीडियो आप अलग अलग फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वीडियो फॉर्मेट इज कॉल्ड YUV, जो कि JPEG यूज़ कर रहा था. अब MPEG क्या यूज़ कर रहा है ये हम इसमें आगे देखेंगे. ठीक, देन नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, स्पेशियल रेजोल्यूशन.
स्पेशियल रेजोल्यूशन इज अ पैरामीटर दैट शो हाउ मैनी पिक्सल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ रियल ऑब्जेक्ट इन डिजिटल फॉर्म. कितने पिक्सल्स यूज कर रहे हैं हम किसी रियल ऑब्जेक्ट को शो करने में, दैट इज स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज. द थर्ड फैक्टर इज स्पेशियल रेजोल्यूशन, इन अदर वर्ड हाउ बिग इज द पिक्चर, कितनी बड़ी है कोई पिक्चर. ठीक है, जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स वो कैरी कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शो करने में, उसको हम उसका स्पेशियल रेजोल्यूशन बोलते हैं. सिंस पीसी एंड मैकिंटोश कंप्यूटर जनरली हैव रेजोल्यूशन इन एक्सेस ऑफ 640x480, ये इनका स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है 640 पिक्सल्स इनटू 480, 640 हॉरिजॉन्टल एंड 480 आपका वर्टिकल, और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो उतने पिक्सल्स में ये किसी ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं. द नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमिटी स्टैंडर्ड यूज इन नॉर्थ अमेरिका एंड जैपनीज टेलीविजन यूजेस दिस. ठीक है, तो अलग अलग डिस्प्ले का अलग अलग स्पेशियल रेजोल्यूशन होता है. ऐसे ही अपना जो फेज अल्टरनेटिव सिस्टम है पाल है, जो कि यूरोपियन टेलीविजन स्टैंडर्ड है, जो इंडिया में भी पाल ही सपोर्ट किया जाता है, तो उसके अंदर इतने अपने इतने बाय इतने का रेजोल्यूशन ये लेकर के चलते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए. ठीक, नाउ लास्ट वन इज इमेज क्वालिटी. तो इमेज क्वालिटी अपनी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें से हम कुछ चीज़ें देख भी चुके हैं और कुछ इस स्लाइड के थ्रू हम समझेंगे. इमेज क्वालिटी कैन रेफर टू द लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन विच डिफरेंट इमेजिंग सिस्टम कैप्चर प्रोसेस स्टोर कंप्रेस ट्रांसमिट एंड डिस्प्ले द सिग्नल दैट फॉर्म एन इमेज. ठीक है, तो इमेज क्वालिटी सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि आपका जो इमेजिंग सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी कितनी है उस इमेज को कैप्चर करने में, प्रोसेस करने में, स्टोर करने में, कंप्रेस करने में एंड ट्रांसमिट करने में और डिस्प्ले करने में. ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक कैमरा है, बहुत अच्छे उस पर लेंसेज और जो जो हार्डवेयर है वो लगे हुए हैं. ठीक है, तो उसने उस इमेज को जो कैप्चर कर रहा है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेसी से कैप्चर किया, जो जो उसके कलर थे कैप्चर किया, लेकिन उसका जो प्रोसेसर है जो इंटरनल उसके हार्डवेयर्स हैं वो कैपेबल नहीं है कि जो लेंस ने उसको ला करके दी है इमेज उसको वो अच्छे से प्रोसेस कर पाए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को वो होल्ड कर पाए. तो क्या होगा, वो पूरा मिल करके आपका इमेजिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है उस केस में, तो कहीं ना कहीं आपके फिर इमेज क्वालिटी पे उसका डिफरेंस पता चलेगा. जो एक्चुअल इमेज थी वो आपकी नहीं दिखेगी, जो आपका इमेज में दिख रहा है और एक्चुअल सीन है वो बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे या थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा. होता है ना, मोबाइल भी अपने पास अलग अलग होते हैं सबके पास, तो किसी के फ़ोन से तो अच्छी इमेज आती है, किसी के फ़ोन से बिल्कुल कलर चेंज आते हैं, डल आती है या कुछ भी. तो वो डिपेंड करता है कि इमेजिंग सिस्टम क्या है, उसने कैसे कैप्चर किया, प्रोसेस किया, स्टोर किया या कंप्रेस करने में कहीं लॉस कर दिया, तो ये सारी चीज़ें. तो सब किसको इफेक्ट करती है, अल्टीमेटली इमेज क्वालिटी को इफेक्ट करती है. द फाइनल ऑब्जेक्टिव इज वीडियो दैट लुक एक्सेप्टेबल फॉर योर एप्लीकेशन. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम जो वीडियो शो करना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन पे भेजना चाहते हैं, वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल हो. ऐसा ना हो कि वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हमने कुछ और ही चेंज करके डेटा को वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया. फॉर सम दिस मे बी 1/4 स्क्रीन 15 फ्रेम पर सेकेंड एट 8 बिट पर पिक्सल. अदर रिक्वायर अ फुल स्क्रीन फुल फ्रेम रेट वीडियो एट 24 बिट पर पिक्सल. ठीक है, तो अलग अलग एप्लीकेशन जो अपनी होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है. किसी को बस 15 फ्रेम पर सेकेंड वाली पिक्चर 8 बिट पर पिक्सल वाली आपकी इमेज भी एक्सेप्टेबल हो सकती है, तो कहीं दूसरी एप्लीकेशन जो अपनी है उनको ज़्यादा फ्रेम रेट वाली रिक्वायर्ड हो सकती है, ज़्यादा बिट्स पर कलर्स वाली रिक्वायर्ड हो सकती है. तो अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से, अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से इमेज क्वालिटी भी अलग अलग एक्सेप्टेबल और मतलब अलाउ और डिसअलाउ उनका अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है उसके लिए. ठीक, तो अब फाइनली वी आर स्टार्टिंग MPEG कंप्रेशन. MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म है, जो कि हमको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है फॉर वीडियो कंप्रेशन. ठीक,
तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, एमपीईजी के बारे में क्या है ये, देन ये कैसे कंप्रेस करता है उसको भी समझेंगे। एमपीईजी स्टैंड्स फॉर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एमपीईजी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो और वीडियो दोनों को एनकोड करने के लिए यानी कि कंप्रेस करने के लिए स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है ऑर्गेनाइजेशन। यूजिंग एमपेक कंप्रेशन द फाइल साइज ऑफ अ मल्टीमीडिया फाइल कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड विद लिटिल नोटिसेबल लॉस इन क्वालिटी। ठीक है, अब क्योंकि वीडियो का कंप्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको वीडियो और उस वीडियो में जो इंक्लूडेड है ऑडियो दोनों के कंप्रेशन के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये अपनी जो मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं उनको इस तरह से कंप्रेस करती है कि इनकी जो क्वालिटी है, वीडियो की जो क्वालिटी है उस पर कुछ ज़्यादा नोटिसेबल इफेक्ट ना आए, इतना नोटिस ना कर पाए कोई कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ठीक, दिस मेक्स ट्रांसफरिंग फाइल ओवर द इंटरनेट मोर एफिशिएंट विच हेल्प कन्वर्ट्स इंटरनेट बैंडविड्थ। ठीक है, और ये हेल्प क्यों कैसे करता है हमारी ये एमपेक जो कंप्रेशन है, अगर आपको इंटरनेट पे फाइल रिसीव कर रहे हो या सेंड कर रहे हो तो जो ट्रांसफ़र हो रहा है बैंडविड्थ है जो आपकी नंबर ऑफ बिट कितने आएंगे उस चैनल के थ्रू, वहाँ पर हमको स्पीड ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने फाइल की बिट्स को कम कर दिया और फिर सेंड कर रहे हो तो उतनी ही क्विकली जाएगी वो फाइल या फिर क्विकली आपके डिवाइस पर आ जाएगी और बैंडविड्थ भी आपकी कम लगेगी। यानी कि आपने अगर 100 बिट्स की जगह पर 50 बिट्स कर दिया उसको तो फिर आधा पाथ जो है वो तो दूसरी फाइल के लिए खाली रहेगा, तो कम बैंडविड्थ यूज हो रही है और जल्दी भी डेटा पास हो जाएगा। एमपेग इज कॉमनली यूज टू रेफर टू अ वीडियो फाइल सेव इन एन एमपीईजी फाइल फॉर्मेट रेदर देन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। MPEG is commonly used to refer to a video file saved in MPEG file. अब हम जो फाइल सेव करते हैं उसको हम MPEG ऑर्गेनाइजेशन है जो उस काम को कर रही है और हम इस फाइल को भी इसी नाम से सेव करते हैं जिसको हम .mpg और .mpeg फाइल एक्सटेंशन से देख सकते हैं कहीं पर भी। ठीक, तो ये था अपना मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG क्या होता है। नाउ ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं हमारे MPEG के, जैसे वर्जन्स आते रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बोलो या किसी भी सॉफ्टवेयर के बोलो तो टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर MPEG जब स्टार्टिंग में आया था दैट वाज MPEG 1, देन MPEG 2 आया, देन 4, देन 7 तक, और बीच में भी कई वर्जन्स है बट वो इतने पॉपुलर नहीं है इसलिए इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर। तो कुछ कॉमन वर्जन्स हैं यहाँ पर MPEG के। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज क्या है इन वर्जन्स पे कि जो पहले आया था दैट वाज ऑडियो वीडियो स्टैंडर्ड डिजाइन फॉर डिजिटल स्टोरेज मीडिया सच एज MP3 फाइल्स। ठीक है, ऑडियो वीडियो स्टैंडर्ड डिजाइन था वो MP3 फाइल्स के लिए। उसके बाद आया MPEG 2 स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल टेलीविजन एंड DVD वीडियोस, DVDs और TV से रिलेटेड जो वीडियोज है उनके लिए कंप्रेशन का स्टैंडर्ड आया MPEG 2 में। देन 4 में आया आपका मल्टीमीडिया स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर्स मोबाइल डिवाइसेस एंड वेब। ठीक, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई उस हिसाब से MPEG के भी वर्जन्स उनको सपोर्ट करने के लिए बढ़ते गए। ठीक, और जो अभी 7 है स्टैंडर्ड फॉर डिस्क्रिप्शन एंड सर्च ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें तो इसमें इंक्लूड होगी ही, साथ ही साथ इसमें एडिशनल फीचर्स भी एडेड हैं। ठीक, अभी तक जो मैंने बताया उसमें किसी को भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं MPEG क्या क्या कंप्रेशन टेक्निक्स यूज करता है वीडियो को कंप्रेस करने के लिए। तो बेसिकली MPEG के अंदर 2 टेक्निक्स होती है वीडियो को कंप्रेस करने के लिए। फर्स्ट इज ब्लॉक बेस्ड मोशन कंप्रेशन। रिकॉर्डिंग ऑन है। ब्लॉक बेस्ड मोशन कंपनसेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ द टेम्पोरल रिडंडेंसी, यानी कि टेम्पोरल रिडंडेंसी इज द फर्स्ट टेक्निक। एंड दूसरी है आपकी स्पेशल रिडंडेंसी जो कि होता है ट्रांसफॉर्म डोमेन बेस्ड कंप्रेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ स्पेशल रिडंडेंसी। ठीक है, 2 टेक्निक है
अगर इसकी समरी देखें तो एमपेक कंप्रेशन की अपने पास बेसिकली दो टेक्निक्स हैं. फर्स्ट इज टेम्पोरल रिडंडेंसी एंड सेकेंड इज स्पेशियल रिडंडेंसी. ठीक है, तो दोनों टेक्निक को हम देखेंगे कैसे कंप्रेस होता है दोनों टेक्निक के थ्रू वीडियो. तो फर्स्ट आ जाते हैं इस पे हम, इनकी मीनिंग हम पहले समझ लेते हैं. देखो, स्पेशियल रिडंडेंसी इज सिमिलर टू जेपीईजी कंप्रेशन. इसमें एक फ्रेम को कैच कर लिया जाता है, उस फ्रेम के अंदर सारा कंप्रेशन किया जाता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स पर. ठीक है, और जो आपका टेम्पोरल रिडंडेंसी होता है वो क्या करता है, मल्टीपल फ्रेम्स को इंक्लूड करता है. ये क्या एडवांटेज देता है, सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट सक्सेसिव फ्रेम्स. लेट सपोज एक जैसे मैं ही अभी बोल रही हूँ आपके सामने, ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ तो डेफिनेटली हर एक फ्रेम थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा मुंह मूव कर रहा है, मेरा माउथ मूव कर रहा है, तो वो अलग अलग होगा. लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल फिक्स है, वो हर एक फ्रेम में फिक्स होगा. ठीक है, क्योंकि मैं कहीं चल नहीं रही हूँ कैमरा को लेकर, मैं एक ही जगह पर बैठी हुई हूँ. थोड़ा बहुत मूवमेंट मेरी बॉडी में होगा लेकिन पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. तो इस चीज का एडवांटेज लेता है टेम्पोरल रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब ही डुप्लीकेसी होता है, या उसको हम डुप्लीकेसी या फिर रिपीटेशन बोल सकते हैं. तो चीज़ें रिपीट हो रही है, इस फ्रेम में भी वही बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है, अगले फ्रेम में भी वही बैकग्राउंड रिपीट होगा. यानी कि विद इन 1 सेकेंड अगर आपकी डिवाइस पर 30 फ्रेम्स आ रहे हैं, तो 30 के 30 फ्रेम्स में वो जो बैकग्राउंड है वो सेम ही है. राइट, तो ये वाली जो टेक्निक है टेम्पोरल रिडंडेंसी वाली, वो उस चीज़ का एडवांटेज लेती है कि जब पहले फ्रेम में भी वो सेम है, नेक्स्ट में भी वो सेम है, तो हम बार बार क्यों उसको स्टोर करने के लिए अपनी मेमोरी को वेस्ट करें. हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि आगे के 100 फ्रेम में सेम एक ही ये बिट आपको शो करनी है इसी एरिया पे, तो वो ज़्यादा इजी होगा और ज़्यादा कम आपका कम मेमोरी लेगा स्टोरेज स्टोरिंग के टाइम पर, है ना. बार बार एक ही चीज़ को स्टोर करने से अच्छा है कि आप लिख दो कि कितने टाइम उस चीज़ को रिपीट करना है. और जो जो चीज़ें मूव हो रही हैं जिनको ज़रूरत है हर बार स्टोर करने की, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप रिकॉर्ड करो और बाकियों को आप लिख दो कि सेम. जैसे आप एड्रेस लिखते हो ना कभी कभी फॉर्म्स पे, तो उसमें एड्रेस कभी होता है कि आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका ये एड्रेस क्या है वो, तो हम एक ही बार लिखते हैं. अगर सेम ही एड्रेस है तो बार बार लिखने की जगह हम क्या करते हैं, एक बार एड्रेस लिखते हैं फुल, उसके बाद नेक्स्ट में डू कर देते हैं. यानी कि जो पहले वाला एड्रेस था उसी को देख सकते हो, तो हमारी इंक भी बच गई, हमारी टाइम भी बच गया, ठीक है, और पढ़ने वाले का भी टाइम बच गया कि वो दोबारा कहीं उसको ध्यान से पढ़ रहा है कि अच्छा पोस्टल एड्रेस ये है, परमानेंट एड्रेस ये है और वो वाला एड्रेस ये है. जब हमने डू लिख दिया तो हमारा काम भी इजी हो गया और सामने वाले का काम भी इजी हो गया. तो उसी टाइप का कुछ एडवांटेज ये वाला जो टेक्निक है वो लेती है, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल रिडंडेंसी. तो कैसे एडवांटेज लेती है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे इन दोनों टेक्निक को और समझेंगे कि ये क्या होती है. उससे रिलेटेड कोई वीडियो मुझे अच्छी मिलती है तो वो भी मैं शो करूँगी. ओके, चलिए, अभी किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आवर क्लास इज डन फॉर टुडे.